फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अन्वेषा क्रिएटिविटी। और आज का वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। रिक्वेस्ट भी मेरे एक व्यूअर ने किया है कि उन्होंने मुझे आज एक कमेंट मुझे मिला था, और वो ये था कि आपने इतने ढेर सारे जितने भी अब तक वीडियो गार्डनिंग के ऊपर शेयर किए हैं, उनमें से किसी के ऊपर भी आपने अभी तक कोई भी फ्रूट का जो भी होते हैं प्लांट्स, उनके ऊपर कोई भी वीडियो नहीं डाला है। तो आज मैं आपके साथ में शेयर करूंगी एक ऐसे फ्रूट के बारे में जो कि हमारे स्वास्थ्य का बहुत 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 ज़्यादा ध्यान रखता है। और वो कौन सा फ्रूट है दिखा देती हूँ आपको। वो है ये अनार, यानी कि पोमोग्रेनेट। तो अनार की देखभाल, अनार के पौधे की देखभाल किस तरीके से कर सकते हैं, अनार को कैसे कैसे ग्रो कर सकते हैं, और गमले में भी हो सकता है या सिर्फ ज़मीन में ही होता है, पूरी जानकारी दूंगी मैं आपको। तो वीडियो शुरू करूँ उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना रखें, और अगर वीडियो पसंद आए लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है विद बेल बटन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं इस प्लांट की थोड़ी सी हिस्ट्री। तो ये है मेरी मदर इन लॉ के घर लगा हुआ, और इस प्लांट से, अनार के प्लांट से मेरी बहुत ही अच्छी मेमोरी और बहुत ही प्यारी मेमोरी जुड़ी हुई है, क्योंकि ये प्लांट उस दिन लगाया था जिस दिन मेरी डॉटर का बर्थ हुआ था। तो इसको अब से पूरे 9 साल हो गए हैं। तो 9 साल में इस प्लांट ने, इस पेड़ पेड़ ने पेड़ हो चुका है अब तक। तो 9 साल में इस पेड़ ने हमें बहुत से फल दिए हैं। लास्ट ईयर भी मैं जब अपनी ससुराल आई थी तभी भी मैंने यहाँ पर जो फूल, पिछले साल इसमें बहुत ज़्यादा अनार आए थे, और पिछले साल हमने बहुत ज़्यादा इसमें से अनार तोड़े थे। इस बार भी लगे हैं, लेकिन इस बार क्या है, वो काफ़ी हाइट पे लगे हैं, जिसकी वजह से, ये दिखा देती हूँ आपको अगर आप देख पाएँ, क्योंकि फ्रूटिंग वाले जो होते हैं ना प्लांट, उसमें से फ्रूट्स को ढूंढना बड़ा थोड़ा मुश्किल होता है। ये देखिए, ये दिख रहे हैं आपको, तो ये हैं फ्रूट्स, और काफ़ी हाइट पे लगे हुए हैं, जो आराम से ढूंढ ढूंढ करके तोड़ने में मज़ा आएगा। तो इनको बता देती हूँ किस तरीके से ग्रो कर सकते हैं हम। तो आप अनार को गमले में भी ग्रो कर सकते हैं और ज़मीन में भी ग्रो कर सकते हैं, और ये हमने भी पहले गमले में ही लगाया था। तो उसके लिए अगर आप गमले में ग्रो कर रहे हैं तो आप सबसे पहले 10 से 12 इंच का गमला लीजिए, उसके बाद में इसका एक बहुत ही अच्छा सा पॉटिंग मिक्स बनाते हैं, और उसके बाद में हम इसको गमले में, पौधा नर्सरी में इजीली अवेलेबल हो जाता है, आप उसको लगा सकते हैं। पॉटिंग मिक्स बनाने के लिए आप इसमें 40% स्टार्टिंग में 40% कंपोस्ट खाद लेंगे, और 20% आप लीजिए उसमें रिवर सैंड या कंस्ट्रक्शन सैंड, और बाकी आप ले लीजिए उसमें मिट्टी। मिट्टी याद रखें कि इसमें बालू मिट्टी नहीं चाहिए, आपकी जो भी गार्डन सॉइल है वो आप ले सकते हैं। इसमें चिकनी मिट्टी भी चलेगी, अगर आपके पास चिकनी मिट्टी अवेलेबल है तो आप वो भी ले सकते हैं। तो इस पॉटिंग मिक्स को आप अच्छे से मिक्स करके और अपने गमले में लगा सकते हैं प्लांट को, और गमले में प्लांट को लगाने के बाद में तुरंत सनलाइट में नहीं रखना है उसको, कम से कम 6 से 7 दिन के लिए आप रखें पहले शेडी एरिया में, और जब आपका प्लांट स्टेबल हो जाए उसके बाद में आप उसको रखिए धूप में। जितने भी फूलों और फलों वाले पौधे होते हैं या प्लांट्स होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा पसंद है धूप, तो उनको कम से कम 4 से 6 घंटे की धूप ज़रूर चाहिए। तो अगर आप उसको धूप में रखेंगे तो वो बहुत अच्छे से फ्रूटिंग करता है। तो एक तो कम से कम इसमें 6 से 7 घंटे की धूप आप दे दीजिए। अगर ज़मीन में लगा है तब तो आप दिन भर की धूप देंगे, लेकिन अगर गमले में लगा है तो कम से कम 5 घंटे की धूप ज़रूर मिलनी चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और बताऊंगी कि अनार के पौधे को एसिडिक सॉइल बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इससे इसका पीएच लेवल भी मेंटेन रहता है, और एसिडिक सॉइल से ये पौधा ठीक रहता है, फ्रूटिंग भी बहुत अच्छे से करता है। तो उसके लिए आपको, अगर आपने गमले में लगाया है या फिर आपने मिट्टी में लगाया है, अगर आपने गमले में लगाया है तो आप इसमें महीने में एक बार 1 चम्मच विनेगर पानी में घोल करके अपने पौधे को ज़रूर दें, ये मस्ट है, यानी कि बहुत ज़रूरी चीज़ है। और अगर आपने मिट्टी में लगाया है, जैसे कि मेरा, आप ये देखिए, ये ज़मीन में लगा हुआ है पौधा, पौधा नहीं अब तो पेड़ हो गया है, तो इसको आप जैसे 3 से 4 चम्मच जो एसिडिक सॉइल वाला पानी है, मतलब विनेगर लीजिए, 3 से 4 चम्मच विनेगर लीजिए, और उसको 10 लीटर पानी में मिक्स करके इस पौधे में दे सकते हैं।
तो ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है। अच्छा, धूप की भी बात कर ली मैंने, सॉइल मिक्सचर की भी बात कर ली है, और मैंने कर दी है आपसे इसमें इसकी भी बात। हाँ, अगर आपने इसको गमले में लगाया है तो कोशिश कीजिए कि इसकी थोड़ी सी केयर एक्स्ट्रा करनी पड़ती है, क्योंकि के गमले में क्या होता है कि हमारा पौधा जो होता है उसको जितने भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं वो केवल हम ही के ऊपर डिपेंड रहता है। जो भी हमारा पौधा होता है उसको, क्योंकि ज़मीन में जो भी लगाते हैं वो ज़मीन के से ही सब कुछ अब्जॉर्ब कर लेता है, जो भी रिक्वायरमेंट होती है प्लांट की वो ज़मीन से ही ले लेता है। लेकिन हमारा गमले में लगाया हुआ जो पौधा होता है उसके लिए हमें टाइम टाइम पर उसको फर्टिलाइज़र देना होता है। अगर आपकी ब्रांचेस ड्राई हो गई हैं तो उनको प्रूनिंग करते रहना पड़ेगा, प्रूनिंग भी पसंद है इसको, तो अगर आप प्रूनिंग करेंगे तो आपकी ब्रांचेस ज़्यादा निकलेंगी, ज़्यादा ब्रांचेस होंगी तो उस पर फूल ज़्यादा निकलेंगे और तभी ज़्यादा फ्रूटिंग होगी उस पर। तो ज़्यादा फ्रूटिंग लेने का एक तरीका ये भी है कि ब्रांचेस को जब थोड़ी ज़्यादा बड़ी हो जाए तो उनको प्रून करते रहिए, और टाइम टाइम पे आप फर्टिलाइज़र देते रहिए। फर्टिलाइज़र आप कोई भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं बोल रही हूँ कि अगर आपको जैसे ऑर्गेनिक में नहीं जाना चाहते हैं, तो आप अगर आप एप्सम सॉल्ट जो होता है वो 2 महीने में एक बार आपने थोड़ा सा एप्सम सॉल्ट जो होता है वो पानी में घोल करके या डायरेक्ट भी अपनी मिट्टी में डाल सकते हैं, लेकिन 2 महीने में एक बार। उससे क्या होता है कि मैग्नीशियम की जो कमी होती है वो पूरी होती है, और आपके पत्ते वगैरह जो होंगे वो भी नहीं मुड़ेंगे, और उसमें ज़्यादा फ्रूटिंग की संभावना होती है उससे। तो ये चीज़ भी आप ज़रूर करें अपने अनार के पौधे में। तो बस आज की जानकारी इतनी ही थी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छा लगा आज का वीडियो तो लाइक और शेयर ज़रूर से कर दें। जल्दी ही मिलूंगी आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।